दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हरेक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों हिंदू शास्त्रों में बहुत सी बातों के बारे में बताया गया है जिसे करने से व्यक्ति पाप का भागी होता है और बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें करना अशुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन कामों को करता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है और वो पाप उसके मरने के पश्चात भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों ऐसे लोगों का समाज में मान सम्मान नहीं होता और ऐसे लोगों को समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला को ये खास काम करते हुए देखना सबसे बड़ा पाप होता है। दोस्तों हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में महिलाएं हमेशा पूजनीय मानी गई हैं। कई ऐसे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है जैसे माता दुर्गा, माता पार्वती और माता लक्ष्मी, जो कि सभी महिलाएं हैं और जिनकी पूजा की जाती है। दोस्तों किसी भी महिला का अपमान एक अपराध माना जाता है जो कि पाप की श्रेणी में आता है। दोस्तों जैसा कि सभी लोग जानते हैं दुनिया में हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, परंतु जो गलतियां अनजाने में हो जाती हैं उनको भुलाया जा सकता है और जो गलतियां जानबूझकर की जाती हैं वो क्षमा के योग्य नहीं होती और उन गलतियों की सजा अवश्य मिलती है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे पाप के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और ये पाप इतना बड़ा होता है कि मरने के पश्चात भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एक पाप के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नहाती हुई स्त्री के संबंध में। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कुछ लोग स्नान करती हुई स्त्रियों को निहारने लगते हैं जो एक व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला हमेशा चरित्रहीन होता है। दोस्तों शास्त्रों में किसी भी स्त्री को नहाते हुए देखना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति महापाप का भागीदार होता है। स्त्री को स्नान करते हुए देखने वाला व्यक्ति पाप करता है क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है ऐसा करने वाले को हमेशा कठोर सजा मिलती है। यदि ये गलती आपसे जाने अनजाने में हो गई है तो कोई बात नहीं, ईश्वर इसको माफ कर सकता है, लेकिन यदि ये गलती आपने जानबूझकर की है तो आप माफी के हकदार नहीं है। दोस्तों इन्हीं सब कारणों से आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान भी आपको माफ ना करें। अगर आपसे भूल में ऐसा हो गया है तो उसकी अलग बात है, परंतु आप कभी भी ऐसे काम जानबूझकर ना करें क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है और इसके लिए कोई भी क्षमा नहीं होती। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।